अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बेग। आप लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूंगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम बात करेंगे सोचने की। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। देखें, वीडियो स्किप करने से पहले ना ये याद रखिएगा कि आज अगर मैं स्टूडियो से ऑनलाइन नहीं हूँ और फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसका कोई पर्पस होगा। मैं एक ऐसी चीज़ देना चाह रहा हूँ आपको जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अनबिलीवेबल एक ऐसा आइडिया देने आया हूँ मैं आपको, जिसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आप अमीर तरीन इंसान बन जाएंगे इस दुनिया के। वीडियो स्किप तो कर दें आप वीडियो स्किप, लेकिन हाँ, मुझे चीखना नहीं आता, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से बोलना नहीं आता, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है वो आप सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे जो कभी आपसे किसी ने नहीं कही हो। देखें, अगर आपको बोल दिया जाए कि यार इस ज़मीन के नीचे फला ज़मीन पर जाओ और उस ज़मीन की खुदाई करो और उसमें सोना है, तो अगर आपके पास मशीनरी के भी पैसे नहीं होंगे ना, तो आप वहाँ जाएंगे और उस जगह पे का मुआयना करेंगे और उसके बाद मशीनरी आप लेके आएंगे, परचेज़ करेंगे या रेंट पे लाएंगे या फिर लोगों से जो करीबी लोग हैं उनसे कुछ हेल्प लेंगे और फिर उस जगह पे जाके खुदाई करेंगे और सोना निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये भी वीडियो उस सोने से कम नहीं है जो आप फ्री में देख रहे हैं। चैनल तो आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं और स्टार्ट में मैंने कुछ वीडियोस में लगाया था कि सब्सक्राइब करें, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगाया था कि मैं पैसा कमाऊं, इसलिए लगाया था कि जितने लोग एक बार वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आने वाले वक्तों में उनको नोटिफिकेशंस भी मिले मेरी वीडियोस के। इसलिए नहीं कि मैं पैसा कमाऊँ। पैसा कमाने के जो तरीके बता रहे हैं आपको, वो आपसे सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा? लाखों बंदे अगर ये फार्मूला लेना नहीं चाहते थे तो वो उनकी किस्मत थी। आज का जो फार्मूला है वो किसी सोने की ईंट से कम नहीं है। देखें, मैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स के तरह चीख नहीं सकता, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह तकरीर नहीं करता, मैं किसी सेशन में जाके किसी चैनल पे जाके तकरीर नहीं करता। ये तो मैंने चैनल इसलिए बनाया क्योंकि पहले मैं क्या करता था, पहले अपने ऑफिस में जब फ्री टाइम होता था ना मेरे पास, जब कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके का बंदा हूँ, जब मैं अपने काम करना स्टार्ट करता हूँ तो अगर 15 दिन का काम है तो माशाल्लाह से मैं एक दिन में उसको निपटा देता था, क्योंकि शॉर्टकट नहीं ढूंढता था मैं, बल्कि काम को पहले आसान बनाता था फिर उसके बाद करना स्टार्ट करता था। यानी कि पहले सोचता था कहाँ से स्टार्ट लेना है, क्या करना है, फिर काम को स्टार्ट करता था। ये नहीं कि अगर किसी ने मुझे बता दिया कि यहाँ पर सोना है तो वहाँ जाऊँ और सोना निकालना शुरू हो जाऊँ, या अगर किसी ने मुझे ये बता दिया कि यार याला बिजनेस करना चाहिए आपको, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, इस जगह पे आप लगा लो, मैं ये सोचता हूँ कि पहले बताने वाला ख़ुद कैपेबल है, क्या वो ख़ुद भी वो चीज़ कर चुका है, कोई एक्सपीरियंस है, या वो कुछ वही चीज़ वो किसी और एरिया में कर रहा है और मैं मुझे बता रहा है कि इस एरिया में तुम ये वाली चीज़ कर लो तो बेटर है।
तो फिर मैं उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाऊँ, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब हम कोई बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो 10 ऐसे बंदों से हम बात करते हैं, 10 ऐसे बंदों से पूछते हैं उस बिज़नेस के बारे में कि आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं। और वो लोग भी ऐसे बिजनेसेस बता रहे होते हैं आपको जो वो खुद कभी, उन्होंने खुद वो बिज़नेस नहीं करा होता, या खुद उन्होंने कभी भी कोई भी बिज़नेस नहीं करा होता। वो लोग आप लोगों को बिज़नेस सिखा रहे होते हैं, बिज़नेस बता रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको आज जो बिज़नेस बताने वाला हूँ वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए क्या, आपको सबसे पहली एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि सोचना कैसे चाहिए। ये जो हम थिंकिंग करते हैं ना, ये जो सोचना है, ये सोचते कैसे हैं, सबसे पहला काम हमारा ये है जो हम ढंग से करते नहीं हैं। बल्कि हमारी, हमारा लाइफ स्टाइल, कुछ हमारे घर वालों ने, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने, कुछ हमारे रिलेशनशिप्स में जो है उन लोगों ने, और कुछ ऑफिसेस ने, कुछ हमारी हुकूमत ने, कुछ और इधर उधर के लोगों ने हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है, इतना हमें बिज़ी कर दिया है, इतना बिज़ी कर दिया है कि हम सोचते अपने बारे में क्या, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में तो एक मिनट भी नहीं सोचते हम। हालांकि सब अमीर होने का सबसे पावरफुल जो टूल है वो है थिंकिंग, यानी कि सोचना। जब भी तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक लिखी गई थी, इतनी बड़ी, जो आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर करे। लाखों लोगों ने वो बुक पढ़ी और लाखों लोगों की जिंदगियां बनी। और कुरान शरीफ भी, मैं कुरान शरीफ भी तो ऐसा ही है ना कि कुरान को सिर्फ पढ़ो नहीं, बल्कि उसको पढ़ो, फिर उसकी ट्रांसलेट करो, फिर उसको सोचो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोचना है। सोचो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सोच ही एक ऐसा टूल है, ऐसी समझ लें, ऐसा टूल मशीन ही कह लें इसे आप, ये ऐसी ड्रिलिंग मशीन है कि आप अपने अंदर खुदाई करेंगे, इतना सोना निकलेगा, इतना सोना निकलेगा कि आपकी सोच है। यकीन माने, आप बजाए उन 10 बंदों के से पूछने के कि मुझे क्या करना चाहिए, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप खुद से पूछो। उन 10 बंदों को हटाओ, खुद से पूछो मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन पूछो, नहीं मिलेगा जवाब। दूसरे दिन पूछो, नहीं मिलेगा जवाब। तीसरे दिन पूछो, नहीं मिलेगा जवाब। फिर ढूंढो खुद पे। कोई अगर आप मूवीज़ देखते हैं, उन मूवीज़ को सोचें क्या, उन ये अगर मैं एक्शन मूवी देखता हूँ तो क्यों देखता हूँ, क्या चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है उस मूवी में जो मुझे किक देती है। अगर मैं कोई कॉमेडी मूवी देखता हूँ तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि मुझे उसमें किक मिलती है। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। अगर कोई काम में इंटरेस्ट है आपका तो देखें उस काम को कि उस काम में क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या मज़ा आता है। किसी बुक में आपका इंटरेस्ट है तो उस बुक में क्यों इंटरेस्ट है आपका। अपने इंटरेस्ट को देखें, दुनिया के इंटरेस्ट को देखना छोड़ें। दुनिया की सिर्फ और सिर्फ देखें, कामयाबी का सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि दुनिया की नीड देख के उनकी नीड को पूरा करो और उसके बदले में चार्जेस ले लो, आप अमीर हो जाओगे। दुनिया की ख्वाहिशात नहीं देखो,
आप क्या करते हो जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे होते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हो, तो उस दुनिया से पूछ रहे होते हो जो आपको कुछ देगी नहीं बल्कि आपके पास जितना है ना वो लेने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सोने की कान मिल जाती है, आप कहीं खुदाई कर रहे हैं, आपको सोने की कान मिल जाती है, ठीक है, और आप खुदाई करते 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 थक गए और अब आपको डाउट हो रहा है कि यार नहीं, इसके इस ज़मीन के नीचे सोना नहीं है, तो आप किसी और बंदे से जाके पूछेंगे कि यार देखो ज़रा इसमें सोने के ज़र्रात नज़र आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। वो तो अगर उसको वो सोने के ज़र्रात नज़र भी आ गए वो आपको बताएगा थोड़ी, वो आपको कहेगा आप पागल है क्या, 10 साल से तो यहाँ पे खुदाई कर रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय मिट्टी के अलावा। और जब आप चले जाएंगे उसके चंद दिन बाद वो खुद वहीं उस जगह पे आके अगर उसे ज़र्रात मिले भी नहीं है ना, तब भी वो उस जगह पे आके ड्रिलिंग करेगा और जब खुदाई करता रहेगा और उसमें से सोना निकलना है अगर, तो वो सोना खुद निकाल लेगा और आपको कानों कान खबर भी नहीं होगी। तो आप डिपेंड क्यों हो जाते हैं किसी और पे? देखिए, खुद पर काम करें। अगर मैं बोलूं कि इस दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना आपके और मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मैं खुद हूँ इस दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप इतने अच्छा आइडियाज़ कैसे जनरेट कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ खुद की खुदाई करके। मैं जब एक फिट अपनी खुदाई करता हूँ तो मुझे एक आइडिया मिलता है, जब दो फिट करता हूँ तो दो आइडिया मिलते हैं, यानी कि मैं एनी टाइम अपने आप में सर्चिंग करता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं कोई मूवीज़ देखता हूँ तो उस मूवी में क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे किक दे रही है, तो मैं उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाता हूँ। मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो उस बुक में क्या चीज़ है जो मुझे किक दे रही है, फिर मैं उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाता हूँ। मैं हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। मैं लोगों का फ़ायदा नहीं उठाता क्योंकि लोग कभी भी फ़ायदा नहीं देते, लोग सिर्फ और सिर्फ ताने देते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ गालियाँ देते हैं। लोग कभी भी आपको कामयाब होने ही नहीं देंगे। वो क्यों बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और ये लोग बोलते क्यों हैं? ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आज आपने सोचना शुरू करा तो कल आप करना शुरू कर देंगे। अगर आज आपने कुछ गोल सेट कर लिए और सोचना स्टार्ट कर दिया तो कल वो गोल अचीव कर लेंगे आप, 1 साल में 2 साल में 3 साल में 5 साल में 10 साल में, लेकिन उस गोल को अचीव कर लेंगे आप। जो लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि हम कुछ बन जाएं बल्कि और सामने वाला कुछ ना बने। तो आज का सबसे कीमती ख़जाना आपको दे के जा रहा हूँ वो है सोचो, खुद को सोचो क्या करना है, और सोचने के बाद जब आपको मिल जाए, देखें सर्चिंग थोड़ी सी नहीं करा करें, जब आप यूट्यूब पे भी सर्चिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल कोई मूवी आपको पसंद है तो यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, तो फिर आप गूगल क्रोम पे स्टार्ट करेंगे, फिर आप दूसरे ब्राउजर्स पे स्टार्ट करेंगे उसकी सर्चिंग। जब तक आप देख नहीं लेते उसको सर्च करते रहेंगे, तब सर्चिंग पे भी नहीं मिलेगी तो फिर जाके किसी से परचेज कर लेंगे वो चीज़। और अगर आपको कामयाब होना है तो यार खुद पे सर्चिंग क्यों नहीं कर रहे हो, खुद पे खुद के अंदर तलाश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे अंदर
एक ऐसा कीमती ख़जाना है जो अगर तुम जान जाओ तो दुनिया की कोई भी पावर नहीं है ऐसी जो आपको रोक सके कामयाब होने से। कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि अगर जब आप कामयाब हो जाएंगे ना और यही फार्मूला फॉलो करते रहेंगे कि आप सोचना बंद नहीं करते अपना, आप सोचते रहते हैं इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। एक दिन ऐसा लेवल भी आएगा कि आप लाखों रुपए कमा रहे होंगे सोचकर। सिर्फ आप सोचेंगे, लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे, वहाँ से लाखों करोड़ों रुपए आ रहे होंगे और आपको करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। यही है ख़जाना। इस दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना जो है ना, वो आपके सर के अंदर दफन है, जो मुर्दा हालत में हो गया है। वो कैसे? क्योंकि आप सुबह जब छोटे होते हैं, सुबह उठते हैं तो स्कूल जाना, ये करना, वो करना, फिर दिन में ट्यूशन जाना, फिर रात में अलग एक्टिविटीज़, खेलना कूदना, फिर सो जाना। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर एक गधे घोड़े की लाइन में लग जाते हैं, यानी कि सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर शाम में आते हैं, फिर घर के काम, फिर इधर के काम, उधर के काम, फिर उसके बाद दोस्तों यारों में बैठ गए, फिर उसके बाद रात हो जाती है, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कराओ, फिर सो गए, सोचा कुछ नहीं। हालांकि सबसे कीमती काम आपको सोचना है। यकीन करें, जिस दिन आपने सोचना शुरू करा तो पहला बेनिफिट, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा आपको। दूसरा बेनिफिट, घर के काम करने के लिए भी आपके पास लेबर होगी। तीसरा बेनिफिट, फ्रीडम होगा। चौथा बेनिफिट, अपनी मर्जी की लाइफ जिएंगे। पांचवा बेनिफिट, डरना बंद कर देंगे। और कितने बेनिफिट चाहिए, क्या चाहिए आपको? यही तो पांच चीज़ें चाहिए ना। अगर कुछ बनना चाहते हैं तो इस वीडियो की क्वालिटी को छोड़ें, बल्कि इस वीडियो की ऑडियो को लाजमी सुनिएगा।